just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो गाइस, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आप सबने देखा होगा, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार के अंदर एक सेफ्टी फीचर को। तो सेफ्टी फीचर में आज हम इंस्टॉल करेंगे अपनी कार के अंदर एक लॉक को। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने पहले सेंट्रल लॉकिंग की वीडियो बनाई हुई है और सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करी है, बट स्टिल हम सेंट्रल लॉकिंग के भरोसे पूरी कार नहीं छोड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग क्या करते हैं, कार की सेंट्रल लॉकिंग के साथ कुछ कनेक्शन वगैरह करके उसे ऑफ कर देते हैं और कार को आराम से खोल लेते हैं और चला लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक ब्रेक लॉक को। तो दोस्तों, मेरे को पहले से अपनी कार के लिए एक लॉक चाहिए था अंदर से। इसके अलावा अगर आप चाहें थोड़ा और सिक्योरिटी चाहते हैं तो एक GPS ट्रैकर भी अपनी कार में लगा सकते हैं, उससे आपकी कार काफ़ी सेफ हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये जो लॉक है ये अमेज़ॉन से ऑर्डर करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। प्राइसिंग की बात करूँ आपको तो 1300 के आसपास का ये मिल जाता है, अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है 1000 की रेंज के ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका एक लॉक मिल जाता है और देख सकते हैं आप काफ़ी हैवी वेटेड है। इसके बाद हमें इसका एक माउंट मिल जाता है जिसे ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, आप तीनों में से कहीं पे भी इसे फिट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें इसके साथ इसकी चाबियां मिल जाती हैं। तो इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दो नहीं मिलती हैं, तीन मिलती हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। अगर एक खो भी जाए तो फिर भी आपके पास दो रहती हैं बैकअप में। तो यहाँ पे आप साइड में इसकी जगह देख सकते हैं, यहाँ पे आपको खाली इसको डालना है और रोटेट करना है, और जो इसका लॉक टाइप में जो आप एक देख सकते हैं रॉड है, वो रॉड खुल जाती है। बहुत आराम से ये पूरा प्रोसेस है, कोई भी आराम से इसको फिट कर सकता है और भाई बहुत इजी टू यूज़ भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसका माउंट है, हमें इसके जो होल्स दिख रहे हैं उसमें इसको फिक्स करना है और जो रॉड है उसे दोनों के आर पार निकालना है। तो देख सकते हैं भाई बहुत सिंपल है, और जैसे ही आप इसको निकाल लेंगे उसके बाद चाबी से इसे लॉक कर दीजिएगा, और उसके बाद तो फिर ये हिलने से रहा, बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। मेन बात ये है कि इसमें ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, कहीं भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आप इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय करिए, उसके बाद हम इसे अपनी कार में फिट करेंगे।
दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, फाइनली हमने इसको इंस्टॉल कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत प्रॉपर फिटिंग आई है, किसी भी कार में आराम से फिट हो जाएगा और बिल्कुल भी जो ब्रेक लीवर है वो नहीं दब रहा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत इसे आगे पीछे करेंगे तब भी कोई चांस नहीं है ब्रेक दब जाए। और भाई ब्रेक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कोई कार चुराएगा भी तो वो बिना ब्रेक के नहीं जा सकता है, ब्रेक भाई यूज़ तो करने पड़ेंगे। और हैंड ब्रेक उतने डिपेंडेबल नहीं होते हैं, उसमें बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेलेटर में भी यही सेम वर्क हो सकता है, अगर आप चाहें तो एक्सेलेटर में भी कर सकते हैं, क्लच में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसको लगाना कितना सिंपल है, सेम उतना ही सिंपल इसको निकालना भी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कोई लंबा काम नहीं है, बहुत देर वाला काम भी नहीं है। सिर्फ आपको चाबी लगानी है साइड से और खोलना है और ये तुरंत बाहर आ जाएगा। तो सेफ्टी फीचर वाइज आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा लॉक है, प्लस टाइम भी जो है काफ़ी कम लेता है। देख सकते हैं भाई बिल्कुल आराम से निकल चुका है और देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेक जो है फ्री हो चुका है अब हमारा। तो फिलहाल मैं जो सेंट्रल लॉकिंग की मेरी की है, यानी कि जो कार की ओरिजिनल की है, उसके साथ एक चाबी इसकी अटैच कर दूंगा और बाकी जो दूसरी दो चाबियां हैं उन्हें रख दूंगा बैकअप में, अगर कहीं कोई मिसप्लेस हो जाती है चाबी तो वो काम ज़रूर आएंगी। ओके सो गाइस, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी कार मॉडिफिकेशन, कार डीआईवाई ट्रिक्स, बाइक मॉडिफिकेशन, बाइक डीआईवाई ट्रिक्स, काफ़ी सारी वीडियोज देखने को मिल जाती हैं रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टमेनिया शाइनिंग ऑफ।